कमोडिटी मार्केट से जुड़ी हर खबर सिर्फ न्यूज मार्केट 24 पर। खबर काम की। नमस्कार दोस्तों, न्यूज मार्केट 24 चैनल में मैं अजय सिंह आप सबका फिर से स्वागत करता हूं। खाद तेल बाजारों की हलचल के साथ खाद तेल बाजारों में किस तरीके से कामकाज देखा जा रहा है, बाजारों की स्थिति, साथ ही इंटरनेशनल बाजारों की रिपोर्ट, कांडला पोर्ट पे बाजारों पे क्या स्थिति है, सारी रिपोर्ट की जानकारी आपको देंगे। तो जो लोग भी पहली बार हमारे चैनल पर जुड़ रहे हैं, चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को जरूर दबाएं। और आपको बता देते हैं, बाजार खुलने से पहले मार्केट का ट्रेंड, मार्केट का एनालिसिस आप अगर जानना चाहते हैं तो आप मॉर्निंग 9:30 का आप जरूर ज्वाइन करिए, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चलिए बात करेंगे केएलसी कल के बाजारों में किस तरीके से कामकाज हुआ। अगर कल बात कर लेते हैं तो केएलसी में पाम तेल वायदे में कल 135 रिंगिट तक की बाजारों में एक बार तेजी देखी गई, लेकिन उसके बावजूद भी बाजार जो बंद हुआ तो 23 रिंगिट की एक मामूली तेजी के साथ बाजार बंद हुआ। मलेशिया में पिछले 15 दिनों में पाम तेल में लगातार निर्यात घटा है। शिकागो सोया तेल वायदे में अगर बात करी जाए तो आज दिन में बाजारों में क्रूड ऑयल में जो मंदी आई उसका इंपैक्ट बाजारों में देखने के लिए मिला। मलेशिया में भी दिसंबर में उत्पादन कम रहने की आने वाले समय में धारणा बताई जा रही है। इस कारण पाम तेल वायदा में आप देखेंगे कि बहुत ज्यादा आप गिरावट के फिलहाल आसान नहीं दिखाई दे रहे हैं। चलिए अब जान लेते हैं किस तरीके से बाजारों में कामकाज देखा जा रहा है। तो इससे पहले आपको बता देते हैं, मलेशिया की अगर बात करें तो मलेशिया में लगातार आप देख रहे हैं बारिश बाढ़ के कारण पाम तेल की सप्लाई अगले महीनों में भी आने वाले समय में प्रभावित होने की साफ साफ आशंका जताई जा रही है, जिसके चलते अगर आप पाम तेल में अगर आप देखेंगे किसी लंबी चौड़ी गिरावट के आसार नहीं है, जबकि सोया तेल में लगातार आप देख रहे हैं एक प्रेशर दबाव बन के कामकाज हो रहा है। अर्जेंटीना का मौसम भी लगातार साथ नहीं दे रहा है। सिर्फ यही एक पहलू है कि सोया तेल में यहाँ से आप रिकवरी देख के चल सकते हैं। मार्केट के उतार चढ़ाव की जानकारी और मार्केट का ट्रेंड जानने के लिए जुड़े सुबह 9:30 बजे लाइव न्यूज मार्केट 24 पर अजय सिंह के साथ। डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके अभी ज्वाइन करें। देख के चल सकते हैं। फिलहाल लोकल बाजारों में सोया तेल में लगातार दबाव बना हुआ है, जिससे आप जो खरीदारी है बिल्कुल एक सीमित मात्रा में रह गई है। चलिए खाद्य तेल बाजारों में सोया ऑयल की बात करेंगे। सोया ऑयल कल 124 रुपए पे कामकाज हुआ। पामोलिन का भाव 96 रुपए, राइस ब्रांड ऑयल का भाव 108 रुपए, मस्टर्ड ऑयल का भाव 135 रुपए पे कामकाज हुआ। सोयाबीन सीड का भाव 5500 रुपए, कांडला पोर्ट पे 850 रुपए का क्रूड पाम ऑयल का भाव रहा। फॉरवर्ड में 860 रुपए का बाजारों में कामकाज देखा गया। इसी के तहत पामोलिन का भाव 925 रुपए, सोया रिफाइंड का भाव 1225 रुपए, सोया डिगम का भाव 1150 रुपए, फॉरवर्ड में 1120 रुपए, सनफ्लावर ऑयल का भाव 1400 रुपए पे कामकाज स्थिर बना रहा। तो आप सनफ्लावर ऑयल के भाव में भी आप 1350 से 60 की रेंज में आप खरीदारी करके चलिए, यहां से आपको बाजारों में एक अच्छी रिकवरी सनफ्लावर ऑयल के बाजारों में दिखाई देकर चल सकती है। चलिए जो केएलसी की अगर बात करेंगे, केएलसी कल +28 रिंगिट होके प्लस बंद हुई थी। आज केएलसी यूएस हॉलिडे होने के कारण केएलसी हमेशा शनिवार के दिन बंद रहती है। सोया ऑयल सीपीओ के सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल जान लेते हैं। सोया ऑयल का सपोर्ट का लेवल 123 रुपए है, रेजिस्टेंस का लेवल 125 रुपए। इसी तरीके पामोलिन का सपोर्ट का लेवल 95 रुपए, रेजिस्टेंस का लेवल 97 रुपए। तो अगर राइस ब्रांड की अगर सपोर्ट की बात करेंगे, राइस ब्रांड का सपोर्ट का लेवल 107 रुपए, रेजिस्टेंस का लेवल 109 रुपए देखा जा रहा है। मस्टर्ड सीड की अगर बात कर लेते हैं, मस्टर्ड सीड में 6500 से 6400 रुपए का सपोर्ट है, रेजिस्टेंस का लेवल 6800 रुपए। सोयाबीन का अगर सपोर्ट की बात करें तो 5500 रुपए का सपोर्ट है, रेजिस्टेंस का लेवल 5900 रुपए पे कामकाज देखा जा रहा है। तो बाजारों में ओवरऑल आउटलुक है कि आप खाद्य तेल बाजारों में अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से 7 से 10 दिन की आप खरीदारी करके चल सकते हैं। अगर खबर में दी गई जानकारी आपको अच्छी लग रही है तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को दबाना ना भूलें। फिर मुलाकात होगी आप लोगों से एक नई खबर के साथ। तब तक आप लोग स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद, जय भारत। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज मार्केट 24।